वहीं हल्द्वानी और लाल कुआं शहर के आसपास चल रहे वाटर पार्क में कई तरह की अनियमितताएं सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन जांच करने की बात कह रहा है। दरअसल हल्द्वानी और लाल कुआं में कई वाटर पार्क है जिसमें सिंचाई की नहर से और ट्यूबवेल से पानी लगाए जाने की शिकायत सामने आई है। जहां एक ओर भीषण गर्मी में जिला अधिकारी ने पानी की व्यवसायिक गतिविधियों में रोक लगाई गई है, ऐसे में वाटर पार्क की शिकायत के बाद उप जिला अधिकारी परितोष वर्मा ने जल्द जल संस्थान और सिंचाई विभाग से जांच कर अनियमितताएं होने पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं संचालकों का कहना है कि उनकी तरफ से सारे मानक पूर्ण किए गए हैं, किसी भी तरह से किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। कि आपकी जानकारी के अनुसार ये बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से पानी के मानकों को पूरा किया गया है और विशेष तौर पे पानी के लेवल को स्वच्छ रखा गया है और यहाँ पे जो भी गेस्ट हमारे आ रहे हैं उनके भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पानी की जो सिंचाई विभाग की वो है उसका यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पानी है ये ट्यूबवेल का है और ये बहुत कम मात्रा में हम यूज़ कर रहे हैं जिससे किसी भी तरीके की ग्रामीणों को परेशानी ना हो। देखिए, क्योंकि वाटर पार्क अभी हल्द्वानी शहर में कुछ नए खुले हुए हैं और जल संस्थान को पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे भी व्यावसायिक उपयोग पानी का हो रहा है तो उसको मॉनिटर करें और जल संस्थान को पुनः इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि वाटर पार्क की तैयारी की भी जाँच कर ली जाए। देखिए, इसमें जल संस्थान के माध्यम से और अगर इरिगेशन का पानी लिया जाएगा तो इरिगेशन के माध्यम से जाँच करा ली जाएगी।